यू नो वो कॉम्पोजिशन नहीं मिल सकी लाहौर को, तो आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी वजह है लाहौर की नाकामी के पीछे? देखिए, ऑन अ गिवन डे अगर आप देखें तो आज जो मुल्तान के भी अवेलेबल प्लेयर्स थे वो बड़ी लिमिटेशंस थी। ऑन वट एवर चॉइसिस यू हैव, आपने फिर भी ग्राउंड में तो फाइट दिखानी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज वो देखने को नहीं मिली। इससे पहले जितने 5 मैच थे वो एक अच्छे मैच हुए हैं, क्लोज हुए हैं, चांसेस थे कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन आज खासी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। इसकी वजह आपको ये बता सकता हूँ कि जो टीम होती है कम्बिनेशन होती है, या एट टाइम्स आपके जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा आ जाती है 3-4 प्लेयर्स से कि आप टूर्नामेंट में आगे अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बन रहा। बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो वो मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी है। शहीन है, वो अकेला ही लड़ रहा है, बीच शुरू भी करता है, एंड में भी। तो जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती तो जो आपकी क्वालिटी बॉलर्स हैं वो भी फिर बीच में फंस जाते हैं। आके भाई, छठा मैच है, बैटिंग ऑर्डर हम देख रहे हैं कि हर मैच के बाद तब्दील हो रहा है, शाहीन भी ऊपर आ रहा है, किसी में सिकंदर रजा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट IIT में हो के आए हैं उनको भी बारी बहुत कम दी जा रही है, बॉलिंग भी कम करवाई। क्या बैटिंग ऑर्डर के शफल होने की वजह से भी है कि स्कोर चेज नहीं कर पा रहे, बड़ा स्कोर नहीं कर? देखिए, उसमें जो आप जब आप बड़े टोटल करने जाते हैं तो फिर एट टाइम्स बीच में एक दो मैचेस में हुआ है कि जो 170 मीटर है, 160 मीटर है, उसके उसको देखते हुए जब आप वन डायमेंशनल दो राइट ही चले जाएँ तो फिर आसान हो जाता है बॉलर्स के लिए। बट यू कैन, हम ट्राई करते हैं, उसमें कई दफ़ा चीज़ें जो है सक्सेसफुल हो जाती हैं, कई दफ़ा उस तरह से नहीं होती, और जब नहीं होती तो आप मैच हारते हैं। आखिर भाई, अब रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल लग रहा है प्रोग्रेस करना, ऐसे में टीम को बकिया मैचेस के लिए कैसे आप मोटिवेट करेंगे? क्या आप उनको प्लान देंगे कि बकिया मैचेस में एटलीस्ट अपने शोल्डर्स डाउन ना हो? और क्या अब आप भी बतौर हेड कोच इफ़ एंड बट्स ये हो जाए वो हो जाए उसकी कैलकुलेशन फला कैलकुलेशन पर अब भी आप कहीं ना कहीं स्लाइटेस्ट चांस की कुछ वो देख रहे हैं कि विंडो निकल आए? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं फर्स्ट विन, वो किसी तरह से हो जाए। और देखिए, ये जो स्पोर्ट्स है ये हर प्लेयर अपनी प्राइड के लिए खेलता है। आई एम श्योर के जो 7वां मैच भी जो प्लेयर ग्राउंड में आएंगे सारी दुनिया उन्हें देखती है, उनकी रेपोज होती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। डेफिनेटली ग्राउंड में जब मैच शुरू हो जाता है तो सब ये भूल जाते हैं कि अब कितना आपका चांसेस या कितने चांसेस नहीं है। सो आई थिंक प्लेयर्स अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो बाकी मैचेस हैं उनमें अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने में मिले। अच्छा, मेरा पहला तो ये है कि आपको लगता है कि एक साइकिल पूरा हुआ है अभी PSL का, दूसरे साइकिल में कोई हम मौजा उल्टा देख सकते हैं कि कलंदर सारे मैच जीते हैं? और उसके अलावा जो आज फील्डिंग में परफॉर्मेंस रही है आपकी टीम की, वो मतलब इज्तमाइत में हम किसी इंडिविजुअल को तो कह रहे हैं पर इज्तमाइत में लाहौर कलंदर आपको लगा कि आज उसने ऐसी फील्डिंग की है कि वो एक मैच जीतना चाह रही है? देखिए, आज तो स्पेशली कोई एक भी चीज़ इस तरह की नहीं हुई कि आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन दें। बॉलिंग जो है वो इनकंसिस्टेंट लाइन पे हुई है, फील्डिंग में बहुत से लैप्सेज हुए हैं, और बैटिंग में भी इस तरह का बड़ा टोटल उसी तरह चेज होता है कि जब आपका एक टॉप ऑर्डर एंड तक चला जाए, 17-18 ओवर तक चला जाए। सो नथिंग वर्क्ड टुडे एक्चुअली फॉर अस। इससे पहले जो 5 मैच थे, हार और जीत तो एक तरफ है, बट लोगों ने इन्जॉय किया, मैच टफ हुए, रिजल्ट कुछ भी आ सकते थे, लेकिन आज आई थिंक अच्छा नहीं खेले।